हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी किया। दोस्तों, स्टडी किया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 को कवर किया था, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 के लिए जो बेसिक है और उसके साथ में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन, उन सारे को कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का बेसिक। हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म मान लेते हैं। पहला रेखिक समीकरण हमारा है a1x + b1y + c1 = 0। मतलब कि हमारे पास रेखिक समीकरण का जो व्यापक रूप था, उसमें से पहले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप a1x + b1y + c1 = 0 है, और दूसरा रेखिक समीकरण a2x + b2y + c2 = 0 है। ठीक है, हमारे पास में रेखिक समीकरण युग्म का पहला समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है। मान लेते हैं ये समीकरण एक है और ये समीकरण दो है। हम क्या करते हैं, इसके अनुपातों की तुलना। देखो x y यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पर अचर पद, ये भी अचर पद। तो हम क्या करेंगे, a1/a2 साथ में b1/b2 साथ में c1/c2, इन अनुपातों की तुलना करेंगे और देखेंगे कि क्या यह रेखिक समीकरण युग्म। तीन कंडीशन बनेगी। तीन कंडीशन कौन कौन सी बनेगी, या तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी है, या रेखाएं समपाती है, रेखाएं समपाती है, या हम पढ़ेंगे रेखाएं समांतर है। चलिए, समांतर है। अब ये कब कब होंगे, देखो जब हम कहते हैं a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तब क्या होगा, रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। और इसके कितने हल होंगे, तो सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, सिर्फ ऐसे इस पॉइंट पर, मतलब कि एक ही हल है। इसका मतलब हुआ कि इसका अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। ठीक है, दूसरा देखते हैं रेखाएं समपाती है। कब समपाती होगी, कि मान लेते हैं एक लाइन ये है, उसके ऊपर से जस्ट दूसरी लाइन जाती है, तो ये हर बिंदु पर मिल सकती है, तो हम कहेंगे रेखाएं समपाती है। ये कब होगी, जब a1/a2 बराबर है b1/b2 और ये भी बराबर है c1/c2 के, ये भी बराबर है c1/c2 के। जब ये कंडीशन होगी तो हम बोलेंगे रेखाएं समपाती है। अब देखो, समपाती हो गए तो इसके हर बिंदु पर एक्स वाई के मान मिलेंगे, तो इसके कितने हल हो जाएंगे, जैसे इसका अद्वितीय हल हुआ था, वैसे इसका क्या हो जाएगा, अनंत अनेक हल। ठीक है, जब रेखाएं समांतर होगी, समांतर कैसे होगी, पहली रेखा ये और दूसरी रेखा ये, मतलब ये कभी मिल ही नहीं पाएंगी, और अगर कभी मिल ही नहीं पाएंगी तो हमने कहा है रेखाएं समांतर है। अब समांतर है तो इसके लिए a1 b1 का क्या अनुपात होगा, तो हम लिखेंगे जब a1/a2 बराबर है b1/b2 के और ये बराबर नहीं है c1/c2 के, तब रेखाएं समांतर होगी। समांतर हमने ऐसे बना दिया। अब इसके कितने हल होंगे, तो इसका देखो ये किसी भी बिंदु पर मिलने वाली नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। समझ में आ गई बात। चलो अब देखो, ये एक बिंदु पर मिल रही है, कम से कम एक बिंदु पर मिल रही है, ये हर बिंदु पर मिल रही है, ये किसी भी बिंदु पर नहीं मिल रही, तो हम इसको लिखेंगे संगत है, संगत है। इसको लिखेंगे संगत है, मतलब मिल रही है किसी न किसी हर बिंदु पर ही मिल रही है वैसे तो, और ये जो है ये कभी नहीं मिल रही, तो ये असंगत है। बस एक्सरसाइज 3.2 के सारे क्वेश्चन इन्हीं से रिलेटेड है, कि जब दो समीकरण हमें दिया होगा a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, समीकरण एक और समीकरण दो आपके पास में है, तो आप इनके अनुपातों की तुलना करो, मतलब a1/a2 की तुलना करो, b1/b2 की तुलना करो, c1/c2 की तुलना करो। जब इनकी तुलना करोगे तो आपके पास तीन कंडीशन निकल के आएगी, कौन कौन सी, जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, जब बराबर नहीं होगा तो हम बोलेंगे या तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, या इसका अद्वितीय हल है, या यह रेखा संगत है। अब क्वेश्चन में कैसे आएगा उसके अकॉर्डिंग हम इसका
आंसर देंगे। सेकंड देखते हैं, रेखाएं संपाती है कब है, जब A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के, ये भी बराबर है C1 अपॉन C2 के, तब क्या होगी, रेखाएं संपाती होगी, उसके साथ में ये संगत भी होगी और इसके अनंत अनेकल होने वाले हैं। तीसरी कंडीशन क्या है, रेखाएं समांतर है, कब समांतर है, जब A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के और ये भी बराबर है C1 अपॉन C2 के, तब उस कंडीशन में क्या होगा, ये रेखाएं असंगत होगी। क्यों, क्योंकि समांतर है, कभी नहीं मिलने वाली, मतलब असंगत हो जाएगी। दूसरा कंडीशन, अब जब कभी मिलेगी ही नहीं तो इसका कोई हल होगा ही नहीं, तो हम बोलेंगे इसका कोई हल नहीं। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 पर।